इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड क्वार्टरली, इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड क्वार्टरली। अब ध्यान से देखना, अब क्या केस है क्वार्टरली। तो पहले तो कुछ बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि क्वार्टर क्या होता है। किसी को कोई आइडिया कि क्वार्टर क्या होता है? एक होता है फुल, एक होता है हाफ और एक होता है क्वार्टर। क्वार्टर मतलब क्वार्टर करेक्ट, 1/4, 1/4, 1/4 होता है क्वार्टर। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक क्वार्टर में कितने महीने होंगे? 4। श्योर? 3 या 4? 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 या 4? श्योर? ध्यान रखना है यार, कुछ बच्चे बोल फोर 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 दिमाग में आते, तो 4 नहीं, क्वार्टर 4 होते हैं। तो 12 डिवाइड बाई 4, एक क्वार्टर में महीने कितने होते हैं? 3। तो हम कौन सा अभी अगर एग्जाम्पल में फाइनेंशियल ईयर क्या ले रहे हैं? 23, 24। तो क्वार्टर क्या हो जाएंगे? अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। Q1, Q2, Q3, Q4। प्लीज अब आगे बढ़ते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे। पहले तो ये पता होना चाहिए क्वार्टर है क्या। अब मजेदार पॉइंट, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। बिगनिंग, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो पहली ड्राइंग कब होगी मिस्टर पंडित? फर्स्ट 1 अप्रैल। सेकेंड ड्राइंग कब होगी? जुलाई अगस्त सितंबर। करेक्ट, 1 जुलाई। थर्ड ड्राइंग कब होगी? फर्स्ट। करेक्ट। और लास्ट ड्राइंग कब होगी? 1 जनवरी। कोई डाउट? मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल को ही हुई है। सर उस क्वार्टर में तो 3 महीने बचे हैं। ना ना ना, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग इन दैट फाइनेंशियल ईयर ही होता है। तो मंथ्स लेफ्ट, ऐसे तो मंथली में एक ही महीना बचा था। वो पूछ रहा है इस ड्रॉइंग के बाद, फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद उस साल में कितने महीने बचे हैं? तो पूरे के पूरे मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 3। तो 12, 3, 15/2। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 7.5 मंथ्स। क्लियर? एम क्या है? मंथ्स। मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। गुप्ता जी, फर्स्ट मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर क्या है? अप्रैल में जून। तो पहली ड्राइंग कब होगी? ये एम मार्च है या मई है? मंथ सर कोई भी हो सकता है, फिर तो ये मार्स भी हो सकता है। हैं? ये क्या है? AMJ। तो फिर पहली ड्राइंग कब होगी? फर्स्ट समझ आई बात? सेकंड ड्राइंग कब होगी? सर लेकिन उस दिन तो नेशनल हॉलिडे होता है। अब क्या फर्क पड़ता है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर और लास्ट ड्राइंग 15th या 14th, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आप बताओ, टिक टिक लगा लो। फाइनल आंसर? श्योर? 10.5 मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग। नहीं, डेविल बोलो बेटा। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, खत्म कब होता है? तो अगर 15 फरवरी को हमने ड्राइंग्स करनी है तो उस साल में कितने महीने बचे हैं? आधा फरवरी और एक मार्च। सॉरी क्यों? सॉरी
आंसर करेक्ट। सॉरी का बोर्ड बनवाओ। 1.5 तो ये क्या हुआ, 12/2 तो क्या हो गया, 6 months। एंड बट ये जून है, बोलो जून में सिर्फ 30 दिन होते हैं। फीलिंग बेटर है ना? हाँ अब अच्छा ना। हाँ सिर्फ नहीं नहीं हो ये, जिसको ये 30 31 नहीं पता और भी है। आई नो इट, इट इज अ गुड फीलिंग। आगे बोलो, डेट तो बता दो। सर ये तो नहीं पता कि 30 बोलना है या 31। कैलेंडर लेके जाएंगे साथ, ठीक है ना? वो छोटा, वो सर भगवान की फोटो के लिए लेके आए हुए, तो ठीक है ना? छोटा वाला एक तरफ भगवान की फोटो होती है, दूसरी तरफ कैलेंडर। तो बोलो ये तो ब्लेसिंग्स के लिए मैं साथ हूँ, बट 30 31 घर जाके अगली क्लास तक ये मैटर क्लियर होना चाहिए कि कौन से महीने में 30, कौन से में 31। प्लीज फिर एक बार आप याद दिला दो। पास, चलो गुड। 30th सितंबर। चलो तो पार्टी डे होता ना, तो इसलिए। ठीक है। मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने महीने हो चुके हैं, तो कितने बचे होंगे? आंसर, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, करेक्ट। मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हाँ इतनी आती है। 4.5 months। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखना। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 7.5 months तो टाइम पीरियड निकाला आपने, क्वार्टरली है, क्या है, क्वार्टरली। तो एक एग्जाम्पल ही करा देता हूँ, ये वाला करा देता हूँ। 60,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, चलो यहाँ कर देते हैं। एवरेज पीरियड, केस वन, केस वन क्या है, बिगनिंग। कैलकुलेशन में आपको ऊपर सिखा चुका हूँ, तो एवरेज पीरियड कितना निकला हमारा, मेरे को दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत तो नहीं है ना। 7.5 months, 6 months, और कैलकुलेशन आ रही है, आपको समझ आ गई? अब ध्यान से देखना, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी होंगी? बोलो, 7.5 into 4, यस और नो? 30, क्या 4 times? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी होंगी, मेरा क्वेश्चन है, जल्दी बोलो बेटा। 60,000 ईच क्वार्टर, तो 60,000 into 4। सर यही तो बोल रही हूं मैं, ये बोलना चाहते थे बोल नहीं रहे। रेट क्या है प्लीज यार, क्वार्टरली 4, तो अमाउंट निकालना है ना, तो इंटू 4 करके होगा, मंथली इंटू 12 करके होगा, कोई भी डाउट? रेट है 10% और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 7.5 by 12। प्लीज कर लेंगे अब अपने आप कैलकुलेट आगे भी, तो मेन बस मुझे बताना, जब क्वार्टरली है तो इंटू 4 करेंगे तो अमाउंट आएगा, फिर रेट और टाइम पीरियड। क्लियर, चल सकते हो आगे? अब मैंने कौन सा केस कराया, क्वार्टरली।